हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और यूपीएससी सीसेट की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सभी को पता है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने सीसेट का एग्जाम दिया है या फिर जिन्होंने एनालिसिस भी किया है सीसेट के एग्जाम का, तो उनको पता है कि नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम पर काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंगल सिंगल डिजिट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, बार बार रिपीटेडली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, वन मोर थिंग, सभी ने लास्ट तक वीडियो को देखना और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। इन केस अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, सो स्टार्ट कर रहे बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट कब गिवन है। जैसे यहाँ पे 5 है, क्वेश्चन में एग्जाम में 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ओके, तो अब इस केस में आपको पहले पता क्या होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर डिजिट यूनिट प्लेस पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 1 to 100, एक पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आ रही है यूनिट प्लेस पे, कोई पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आ रही है 100th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, 1000th प्लेस पे, तो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बेटे। क्या कह रहा है? 1 to 1000। अगर मैं बात करूं 1, तो 1 के केस के अंदर हमारा नंबर क्या बनेगा? ये हो गया 1000 तक का है, तो इसलिए मैं इसको ले रही हूं 1000 तक। डन। अब उसने कहा कोई भी पर्टिकुलर डिजिट, अगर हम उस डिजिट की बात करते हैं इस पे, ठीक है जी, थाउजेंड प्लेस पे अगर मैं देखूं, तो यहां पे 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक आपको चेक करना है कि हाँ जी डिजिट क्या है, 5। तो क्या 5 आएगा आपका? नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये तो एक बार भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100th प्लेस की। पहले डिजिट्स तो सभी को पता, आई थिंक यूनिट, टेंस, 100 and 1000, दिस इज 100 and this is 1000। ओके, अब देखिए 1000 की बात होगी, अब 100th प्लेस देखते हैं। अब 100th प्लेस के अंदर देखो कि 1000 नंबर्स के अंदर हमारे पास में 100th प्लेस पे कोई भी पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आ रही है। तो अब देखो अगर मैं बात करती हूँ 1, तो 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, देखो 100th प्लेस की बात करें बेटा, 100th, दैट मींस कि 100 101, एक बार कंसेप्ट को समझ लो, कहां तक 199, दैट मींस कि आउट ऑफ 100 नंबर्स कितना, 100th के बाद के जो नंबर्स हैं, ऑब्वियसली बाद के ही नंबर होंगे, तो यहां पे कितनी बार आएगा अपने पास में, 100 टाइम्स आएगा। अब यहां पे हमारे पास में 1000 तक अगर है, तो 1000 तक कितनी बार आएगा, फिर 5 कितनी बार आएगा, 5 भी 100 टाइम्स ही आएगा, तो कितनी बार आ गया हमारे पास में, 100 टाइम्स। ओके, इन 1000 नंबर 5 विल अपीयर 100 टाइम्स एट 100th प्लेस। ओके, ध्यान रखना। अब यहां पे 5, 7 कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। नाउ कम ऑन 10th डिजिट। यस, 10th प्लेस की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर डिजिट लगाओ, 1, 2, 3, 4 up to 9, कितनी बार आएगा। अब देखो अगर हम 100 नंबर्स में से चेक करते हैं, आउट ऑफ 100 नंबर चेक करते हैं, इन दैट केस पर्टिकुलर डिजिट 10th प्लेस पे कितनी बार प्ले होगी बेटा, 10 टाइम्स। कितनी बार आएगी, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कैसे आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 की बात करूं तो क्या आएगा, 10, 11 up to 19। ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि हाँ जी 2 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा, तो 2 से 29, दैट मीन्स कि कितनी बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, दैट मीन्स व्हाट, कि 100 तक 10 टाइम्स, तो 1000 में कितनी बार हो गया, 100 टाइम्स, कितना हो गया, 100 टाइम्स। ओके, सेम वे अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें, तो यूनिट प्लेस के अंदर देखिए,
यूनिट प्लेस पे पर्टिकुलर डिजिट, कोई भी पर्टिकुलर डिजिट है 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स कितनी बार होगी, 10 टाइम्स। तो 100 के अंदर से आउट ऑफ 100 नंबर्स अगर मैं देखूं तो कितनी बार आएगी, 10 टाइम्स। ओके, कोई भी डिजिट हो, 1, 2, 3 कोई भी डिजिट हो, कितनी बार आएगी, 10 टाइम्स। दैट मींस कि 1000 में से कितनी बार आएगी, 100 टाइम्स, दैट मींस कि 100। सो टोटल कितना आ गया, 300। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 300। काफी स्टूडेंट्स ने तो इसका रट्टा लगा रखा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर आता है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आता है। तो आप कंसेप्ट ध्यान रखो, जरूरी तो नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग डिजिट्स आपके एग्जाम में आ जाए। डन, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में नंबर कहाँ से थे आपके, 1 to 1000 था। यहाँ पे क्या कह रहा है, बिटवीन कह रहा है, बिटवीन दैट मीन्स की जो नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा आपका, 100 से एंड 1000, दैट मीन्स कि कहां तक चलेगा, 999 तक। आई होप क्लियर है ये वाला पॉइंट। सच दैट द डिजिट 8 ऑक्युपाइज द यूनिट प्लेस, 8 कह रहा है कहां पे आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने कि 100 नंबर्स के अंदर, आउट ऑफ 100 नंबर्स यूनिट डिजिट पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा बेटा, 10 टाइम्स आएगा। ओके, अब देखिए 10 टाइम्स आएगा तो इसने क्या कहा है, यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 100, दैट मींस कि अगर मैं देखूं, 1 से अगर देखूं तो 1 से 999 तक कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स, बट 1 से 99 तक के नंबर तो है ही नहीं बीच में, दैट मींस कि कितनी बार आएगा फिर, 90 टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 90 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 90 टाइम्स विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। अगर पिछले वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 10 टाइम्स आता है 100 तक, ठीक है, 100 तक 10 टाइम्स। देखो अगर मैं देखूं 100 से 200 तक 10 टाइम्स, अगेन 201 से अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, कितना, 300 तक फिर 10 टाइम्स, देन अप टू यहां पे अगर मैं 999 तक चलती हूं तो फिर 10 टाइम्स। कितनी बार हो गया टोटल, 90 टाइम्स। सो आंसर विल बी 90 टाइम्स। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी, जो प्रीवियस ईयर वाले जो लेक्चर्स हैं नंबर सिस्टम के, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, 7 डेज ट्रायल कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है बेटा, सबसे पहला लिंक वही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस नेचुरल नंबर ने ही इसका आंसर चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे आ जाता रियल नंबर, देन आंसर डिफरेंट आएगा, नेचुरल नंबर है इसलिए नंबर आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ये तो एलजेब्रा का क्वेश्चन है, एलजेब्रा का नहीं बेटा, नंबर सिस्टम से मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको सिंगल सिंगल डिजिट पे काम करना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा हाउ मेनी ट्रिपलेट्स मींस कि कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं जिसके अंदर एक्स वाई जेड का प्लस कितना होगा, हमारे पास में 6 होगा। यू कैन कंसिडर दैट एक्स वाई जेड, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंथ प्लेस, और इसको हम 100th प्लेस पे ले लेते हैं। ओके, ट्रिपलेट ही बनाने हमने। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो हमें सम की कह रहा है, सम है, दैट सम ऑफ डिजिट्स है, दैट मींस कि हमने यहाँ पे नंबर फॉर्मेशन तो यूज करना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो उसने क्या कहा, सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और साथ में ये भी कहा है कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर मींस व्हाट, कि आप इसके अंदर जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, जीरो को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स के अंदर आपके कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3 सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर से आ जाते हैं। बट अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर बेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, 1 से स्टार्ट होता है। दैट मींस व्हाट, यू कांट इंक्लूड जीरो इन दिस क्वेश्चन। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट ये कंसेप्ट को समझते हैं क्या है। उसने क्या कहा, सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए सम। दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे पहले डिजिट को प्लेस करो, हमेशा ध्यान रखो पहले फर्स्ट डिजिट पे वर्क करो। यहाँ पे क्या कह रहा है,
आपका कि अगर मान लो मैं इसको सिक्स प्लेस कर देती हूँ तो उसके इसमें तो बेटा ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तभी सम बनेगा। दैट मीन्स कि सिक्स को हम नहीं प्लेस कर सकते। सेम वे अगर मैं फाइव प्लेस करती हूँ, तो भी एक डिजिट मुझे जीरो लेनी पड़ेगी। दैट मीन्स व्हाट कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या क्या प्लेस कर सकते हैं, हम फोर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोर प्लेस करते हो तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, फोर के अकॉर्डिंग वाई और जेड के पेयर्स कितने बनेंगे। देखिए हमें अब मुझे सम कितना चाहिए, सिक्स का सम चाहिए। दैट मीन्स कि क्या बन सकता है आपके पास में, वन एंड वन, मीन्स वाई की वैल्यू वन हो सकती है और जेड की वैल्यू वन हो सकती है। ओके, दैट मीन्स कि वन ट्रिपलेट इज देयर, फोर वन वन। ओके, नाउ द सेकेंड इज कि हम इसको ले लें थ्री। अगर मैं इसको थ्री लेती हूँ, इन दैट केस वाई और जेड के लिए कौन कौन से पेयर बनेंगे, वाई और जेड के लिए थ्री बनाना है। अब मुझे सम में क्या चाहिए, थ्री। अब थ्री कैसे बन सकता है मेरे पास में, टू वन एंड वन टू, इट विल बिकम थ्री। ओके, और कोई नहीं बनेगा पेयर। अब अगर मैं इसको टू ले लेती हूँ, अगर हम इसको लेते हैं टू, इन दैट केस यहाँ पे अपने पास में मुझे क्या चाहिए, सम, सम चाहिए फोर, क्योंकि टोटल सम हमें सिक्स चाहिए। तो फोर कैसे बनेगा, अब फोर ध्यान से देखिए, वन थ्री एंड थ्री वन, और बताइए टू टू भी तो बन सकता है। ओके, अब उसके बाद और क्या हो सकता है हमारे पास में, वन हो सकता है। अगर हम इसको वन लेते हैं, इन दैट केस दैट मीन्स कि टोटल सम अब मुझे कितना चाहिए, फाइव। बाकी वाई और जेड का जो पेयर है वो क्या बनेगा, फाइव का सम बनेगा। अब फाइव कैसे बनाओगे आप, फाइव कैसे बनाओगे, फोर वन वन फोर, ठीक है जी, टू थ्री एंड थ्री टू, टू थ्री थ्री टू। ओके, आप देखिए टोटल कितना, और कैसे बना सकते हो आप फाइव, जीरो तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स अब हम टोटल पेयर चेक कर लेंगे, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दैट मीन्स योर आंसर विल बी टेन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, टेन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सभी को क्लियर है क्या कह रही हूं मैं। एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, बाकियों पे वर्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर, द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज, कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। हाँ जी, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक और शेयर कर देंगे। आपकी शेयरिंग जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा वीडियोज आपको मिलेंगे। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशियो है, रेशियो। अब यहाँ पे आपके पास में देखो कितने कंसेप्ट चाहिए, आपका रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर कह रहा है, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और तीसरा क्या है, नंबर फॉर्म, दैट मीन्स कि नंबर फॉर्मेशन भी आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर फॉर्मेशन पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई मैंने, नंबर फॉर्मेशन पे ओनली, तो इसलिए ध्यान रखना नंबर फॉर्मेशन का भी, वो भी आप चेक कर सकते हो, कैसे, सेवन डेज ट्रायल नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, अब पहले देखो, अब उसने कहा है कि रेशियो, अब नेचुरल नंबर अगर मैं मान के चलूं कि एक मेरे पास में नंबर है एक्स वाई, एक्स वाई दैट मीन्स कि एक्चुअल में जो नंबर है वो क्या होगा, क्या होगा, ये टेन एक्स प्लस वाई। ओके, देखो अगर मैं कहती हूं भाई 25 है, तो 25 एक्चुअल में क्या है, ये 20 प्लस 5 है ना, पॉइंट इज क्लियर। अब यहां पे देखो, अगर वो कह रहा है कि रिवर्स कर देते हैं हम इसको, तो रिवर्स कर देते हैं, दैट मींस कि y x हो गया, y x दैट मींस कि क्या हो गया हमारे पास में, 10y plus x, 10y plus x। अब यहां पे उसने क्या कह रहा था, रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर ऑफ ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7, मींस इन दोनों की रेशियो क्या है, 4:7 है। दैट मींस रेशियो को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 4:7। हां जी, क्या कह रहा है वो, 4:7, क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि बताओ कितने नंबर्स बन सकते हैं, अब इस तरह से कितने नंबर बन सकते हैं, यही कहा है उसने। हां जी, अब बताओ कितने बनेंगे। अब यहाँ पे रेशियो है तो आप इसको x और y की फॉर्म में ले सकते हो, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, दिस विल बी 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x,
डन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर इसको लेके जाते, x को एक साइड कर लो, y को एक साइड कर लो, x को अगर मैं इधर लेके जाती हूँ तो कितना हो गया ये आपके पास में, 4 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो गया, दैट मीन 66x, ओके। 7y को अगर हम इधर लेके जाते, 7y 40 में से माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स की 33y, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया? 2x इज इक्वल टू y। अब ये मेरा नंबर था, ये नंबर था, अब बताते कि पेयर्स कितने बनेंगे। हाँ जी, 2x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर अगर यहां पे आपके पास में जो x है, x क्या हो गया, y का हाफ हो जाएगा, x y का हाफ है, मीन्स यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी हाफ, ठीक है, दैट मीन्स कि इसको तो हम ले नहीं सकते, इसको हम नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो कि यहां पे अगर हम यहां पे कहें कि x की वैल्यू है आपके पास में 1, तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 2। देखो यहां पे उसने क्या कहा, 2x इज इक्वल टू y। अब यहां पे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या बन रहा है बेटा, y बन रहा है, क्लियर, ये एक नंबर बन गया। अब दूसरा देखते हैं, अगर मैं इसकी जगह पे लेती हूं बेटा 2, तो ये यहां पे क्या बनेगा आपके पास में 4, क्लियर। अगर हम इसको लेते हैं 3, देन इट विल बी 6, अगर हम इसको लेते हैं 4, देन इट विल बी 8, ये पॉइंट क्लियर। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं 5 ले सकते हूं, अगर मैं इसको लेती हूँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स ये तो 3-digit नंबर बन जाएगा, दैट मीन्स इसको आप नहीं ले सकते हो, इसको आप नहीं ले सकते। तो यहां पे अपने पास में कितने पेयर बने, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन बी 4 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150 तक उसको प्रिंट करना। अब देखो अगेन डिजिट्स की बात हो रही, डिजिट्स की यहाँ पे बात हो रही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चेक करने, कहाँ से, 1 से लेके 150 तक। अब 1 से 150 तक है, दैट मीन्स कि जो पेज है, पेजेस कैसे लिखे हैं, फर्स्ट पेज पे 1, सेकंड पे 2, 3, इस तरह से, ठीक है। अब पहले सिंगल सिंगल डिजिट वाले नंबर देखते हैं, सिंगल सिंगल डिजिट अगर मैं देखूं तो कहां तक जाएगा, 1 से लेके 9 तक, सभी में एक एक डिजिट है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी आपके पास में, 9 डिजिट्स, क्योंकि सभी के अंदर नंबर में एक एक ही डिजिट है, दैट मींस कि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, ओके। अब देखो दूसरा, अब अगर हम 2-2 डिजिट्स के नंबर देखें तो 9 के बाद क्या आएगा आपके पास, 10, 10 से लेके 99 तक, क्योंकि अगर 100 लेते हैं तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ओके। तो 99 तक कितने नंबर हो गए, हाँ जी कितने नंबर हो गए, 99, 9 नंबर में पहले ले चुकी हूं, 10 से शुरू कर रहा है, दैट मींस कि 90 नंबर्स है, और एक के अंदर कितने डिजिट्स, 1, 2, मीन्स एक नंबर के अंदर 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट, तो 90 नंबर्स के अंदर कितनी हो गई आपके पास में, 180 डिजिट्स। हाँ जी कितनी होगी, 180 डिजिट्स। अब इसी तरह से आगे लो आप, 100, अगर 100 से 150 तक हम देखें तो कितना हो गया टोटल नंबर, कितने हो गए, 51, ठीक है। अब 51 एक नंबर के अंदर कितने डिजिट है, एक नंबर में 1, 2, 3, एक नंबर में 3 डिजिट, दैट मीन्स कि 1 यहां पे आपके पास में 51 के अंदर कितने हो जाएंगे, 51 नंबर्स के अंदर 153 डिजिट्स हो गए, ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ, मैं कह रही हूं सिंगल सिंगल डिजिट पे काम करो, बहुत इजीली आप आंसर कर दोगे, सबका टोटल करो, टोटल करो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 162 एंड दिस इज 2, 8, 3, 42, क्लियर, कितना आ गया 342 डिजिट्स, सो आंसर विल बी 342 डिजिट्स। बताइए कोई इसमें डाउट आ रहा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एक एक डिजिट के बारे में सोचो कि भाई हाँ एक डिजिट के कितने होंगे, 2-2 डिजिट्स के कितने होंगे, 3-3 डिजिट्स के कितने होंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स, व्हाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100th प्लेस इज ग्रेटर देन डिजिट एट 10th प्लेस, ओके, एंड द डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस।
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बताओ कितने बनेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहाँ से शुरू करना है, 700 से 1000 तक, 700 से हम शुरू करेंगे, कहाँ तक, 1000 तक, ओके। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 100th प्लेस पे जो डिजिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिजिट एट 10th प्लेस, एंड जो 10th प्लेस पे डिजिट है दैट शुड बी ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में 1000 वाले पे तो कुछ आएगा ही नहीं, हम सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, 100th प्लेस पे, क्योंकि 100th प्लेस से कह रहा है ना, तो 100th प्लेस पे अगर मेरे पास में, अगर मेरे पास 100th प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 का केस लेते हैं बेटा, पहले 7 का केस लेते हैं, तो 7 के 100th प्लेस पे अगर मेरे पास में 7 है, इन दैट केस यहाँ पे क्या आ सकता है, 100th प्लेस पे अगर 7 है तो यहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास में, 10th और यूनिट प्लेस पे, इससे छोटा नंबर, इससे छोटा नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पे पहले कंसेप्ट को समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास में, यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, पहले हमने लिया यहाँ पे, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, पहले वो इसको फिक्स किया, उसके बाद देखो इसको यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि कोई भी डिजिट यूनि नेचुरल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, दैट मीन्स कि 0 भी आ सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है यूनिट डिजिट पे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स कि टोटल कितने नंबर बनेंगे, 6, ठीक है, कितने बनेंगे आपके पास, 6। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 रखती हूँ तो नंबर कितने बनेंगे, 6। यहाँ पे अगर मैं 5 रखती हूँ दैट मीन्स कि 5, ये 7 मेरा फिक्स है, 7 मेरा फिक्स है, ठीक है। अगर 4 रखते हैं देन 3, 2 3 रखते हैं, ठीक है ना, देखो सॉरी 4 आएगा बेटा, ठीक है, 3 रखते हैं देन 3, 2 रखेंगे तो 2 एंड 1 रखेंगे तो 1, ये पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ जी। 7 को मैंने फिक्स कर दिया, 7 को मैंने फिक्स कर दिया, मींस 100th डिजिट पे जो डिजिट है उसको हमने फिक्स कर दिया। अब जो दो बाकी की डिजिट्स बची हैं इनको हमने देखना, ओके। तो उस केस के अंदर टोटल हमारे पास में कितने नंबर, अब ये देखो ये सिंपल एपी बन गया। अब कहोगे मैडम एडिशन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एडिशन मुश्किल नहीं है, क्या करना है, एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर है जहां तक जा रहा है 6 तक जा रहा है, 6 से नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 7 / 2, दैट मींस 3, कितना आ गया आपके पास, 21 नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे, 21। डायरेक्टली भी आप ऐड अप कर सकते हो, ठीक है, और इसे भी कर सकते हो, क्लियर। अब ये था हमने किसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, 7 को, 700 के बाद उससे पहले वाले नंबर तो फिक्स हो नहीं सकते। अब हम 8 को फिक्स करते हैं, अब मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया 8 को, अगर मैं यहाँ पे 8 को फिक्स करती हूँ दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ सकते, 7 से पहले वाले नंबर तो नहीं आ सकते, ठीक है, जैसे कि 7 है, मैं यहाँ पे 8 लिख सकती हूँ, 9 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, क्योंकि उसमें कहा है कि ये जो नंबर है ये इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है, हाँ जी। अगर यहाँ पे 7 है दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 आ सकता है, और अगर यहाँ पे 6 आ सकता है दैट मीन्स कि कितने नंबर बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स कि 7, सो दिस विल बी 7। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं रखती हूँ क्या, 7 की जगह पे हम अगर रखते हैं 6, दैट मीन्स कि 6 नंबर्स बनेंगे, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ओके। यहां तक तो सम सेम ही है, 7 ही और ऐड करना है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर कितने बनेंगे, 28, ओके। नाउ यहां पे अब हम फिक्स करते हैं बेटा 9 को, 9 को फिक्स कर दिया हमने, जब हम यहां पे 9 को फिक्स कर रहे हैं इन दैट केस यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। अगर आप यहां पे 8 लिख सकते हो दैट मीन्स कि यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, हाँ जी 7 लिख सकते हो, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ओके। दैट मीन्स कि टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स हम प्लेस करेंगे, 8 प्लेस कर सकते, दैट मीन्स कि 8 नंबर्स बन गए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमारे पास में 8 है, फिर अगर मैं यहाँ पे 7 रखूंगी तो फिर यहाँ पे 6 नंबर्स और आ सकते हैं, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, That means कि 8 और ऐड हो गया हमारे पास में, 8 और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 36 हो गया, हाँ जी बताइए, क्लियर। अब बताओ और यहाँ पे और कोई डिजिट प्लेस कर सकते हैं, नहीं फिक्स कर सकते, सिर्फ यही 3 डिजिट फिक्स होगी, इनकी फिक्सिंग के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए कितने नंबर्स बनेंगे टोटल, सबको ऐड कर दो, क्योंकि 8 और 6 14 और 1 15,
सात और एक आठ, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए 85, दैट मीन्स 85 विल बी द करेक्ट आंसर, 85 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन विद और एंड विद 2। अब इधर और कह रहा है, या तो दो से शुरू होगा या फिर दो पे खत्म होगा, ठीक है। अब नंबर कहां से लेना है मुझे, 100 से, ठीक है, 300 तक। अब दो से शुरू होगा, दो से शुरू होगा। अब मैंने अभी फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पे यही डिस्कस किया था कि 100th प्लेस पे अगर हम देखें तो कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक। अब यहां पहले तो ये देखो कि 2 इसके बीच में लाई करता है कहीं पे, 2 लाई करता है बीच में, बिल्कुल लाई करता है। दैट मींस कि यहां पे 200 वाली जो लाइन है उसके पूरे के पूरे 100 नंबर यहां पे आ सकते हैं, पूरे के पूरे 100 नंबर आ सकते हैं। कैसे, 200 201 200 2 203 इस तरह से, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां पे दूसरा जो पॉइंट है उसने क्या कहा है, ईदर बिगिन विद 100 और 2, ठीक है ना, एंड हो या फिर उसका स्टार्टिंग। अब अगर हम एंड की बात करें तो एंड में यहां पे देखिए, यहां पे 2 कितनी बार आ सकता है, हाँ जी, यहां पे 2 कितनी बार आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि 100 नंबर्स के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट डिजिट पे कोई भी पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आ सकता है, 10 टाइम्स आ सकता है। कितनी बार आ सकता है, 10 टाइम्स आ सकता है, ओके। दैट मींस कि टोटल कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, 110। अब यहां पे ये मत कहना कि मैडम अगर मान लो आपके पास में एक नंबर आ गया 202 तो उसको हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे बेटा। यहाँ पे इधर और का केस है तो इधर और में ऐसा नहीं है कि या तो ये नहीं, इसके अंदर दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हो, आप दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हो। सिलोजियम का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से अगर आप कहे हो कि हाँ जी मैडम क्या इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो हाँ जी बेटा इसको भी आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो यहां पे अपने पास में आंसर क्या बनेगा, 110 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, एक यूनिट डिजिट का एक बार देख लेते हैं। अब यूनिट डिजिट के ऊपर पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर आपको लास्ट 2 डिजिट और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, मैंने आप लोगों को बताया, डिटेल में वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है 7 डेज ट्रायल क्लासेस का, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। सभी ने ज्वाइन करना है एक बार, सभी ने चेक करना है, ओके। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो जरूर चेक करेंगे सभी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1, 2, 3 raised to power 34, 8, 7, 6 raised to power 4, 5, 6 into 45 raised to power 86। अब यहां पे देखो, अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है, इन दैट केस फोकस ऑन द यूनिट डिजिट ओनली, बाकी पे फोकस नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब आप यूनिट डिजिट पे ध्यान दे रहे हैं तो उस केस में देखिए अपने पास में क्या बनेगा। अब यहां पे इसका 3 का चेक करने की जरूरत है नहीं है, बिकॉज यहां पे हमारे पास में एक डिजिट आई है 5, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 है। दैट मींस कि इसका अगर आप फाइंड आउट करोगे यूनिट डिजिट तो क्या आएगा आपके पास में, 5 आएगा, क्लियर। दैट मींस व्हाट, कि अब चेक करो कि हमारे पास में जो बाकी का जो है उनकी यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है, बाकी के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो अब यहां पे देखो, यहां पे बेटा 6 है, दैट मीन्स कि इसकी कितनी मर्जी पावर आ जाए जो इसकी यूनिट डिजिट है वो तो 6 ही आएगी। दैट मीन्स कि जब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 0, बाकी को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स कि अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर एक 5 है तो दूसरा चेक करो कि क्या मुझे कोई इवन नंबर मिल रहा है, अगर इवन मिल रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा उस केस में, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। हाँ जी, ये जो जीरो ट्रेलिंग जीरो वाले क्वेश्चन है ये बड़े आते हैं सेट के अंदर काफी बार, अगर आपने प्रीवियस देखा तो उसमें भी आया हुआ, उसमें पर्टिकुलर इस तरह से एक्सप्रेशन आया हुआ 1 into 2 into 3 इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में ट्रेलिंग जीरो का क्वेश्चन आता है, मींस कि नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ द मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेशन, इन दैट केस ये देखो कि जीरो कैसे बनता है, जीरो कैसे बनता है बेटा, 5 into 2 करेंगे तो एंड में हमें 0 मिलता है।
दैट मीन्स वट कि अगर मेरे पास में 5 हैं, हमने चेक करा है टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं। तो अब हमेशा एक्सप्रेशन में होता क्या है कि 5 कम मिलते हैं आपको, 5 कम मिलते हैं, 2 ज्यादा मिलते हैं। तो ये देखो कि मैं 5 ही क्यों ना चेक कर लूं कि मेरे पास इस एक्सप्रेशन में मुझे 5 कितने मिलेंगे, जितने 5 मिलेंगे उतने ही जीरोस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि है ना, बाद में उसको आप एक यूनिट डिजिट के ऊपर, जिसके ऊपर भी आपके पास में आपका जो फैक्टर है, जितने भी फैक्टर 2 बनेंगे आपके, वो सबके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो एक्स्ट्रा 2 है उनसे जीरो नहीं बनेगा, जो एक्स्ट्रा 2 बन रहे हैं उनसे जीरो नहीं बनेगा। हाँ, ये देखो कि मिनिमम नंबर ऑफ आपके पास में 5 कौन से, मिनिमम चेक करना है मिनिमम 2। अगर आपके एक्सप्रेशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है और उसमें ऐसा लग रहा है कि 2 कम होंगे, तो उस केस में आपको 2 के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जितने मिनिमम नंबर ऑफ 5, मिनिमम नंबर ऑफ 2 आप फाइंड आउट करोगे, जो मिनिमम है उतना आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो उसको बहुत आप इजीली कर सकते हो। पहले ये देखो कि इसके अंदर 5 कितने मिलेंगे मुझे। 100 को बेटा डिवाइड करो सीधा 5 से, क्या आंसर आएगा? 20। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ आपको मैं, कितना आएगा? 20। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें 25 मिल गए। अब देखो दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिसके अंदर आपको डबल टाइम्स 5 मिल रहा है। ये तो हमारे पास में 5 आ गया, जैसे कि अपने पास में। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि इस 20 को अगेन आप 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे मुझे? 24 5 मिलेंगे। 2 को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जब नेचुरल नंबर की बात आ रही है, जो आपके फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर की बात आ रही है, इन दैट केस आपके पास में 5 मिनिमल होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, कब तक करते रहना? अब यहाँ पे तो 100 था, यहाँ पे 1000 भी आ सकता है आंसर के अंदर, आपके पास में 500 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्या करोगे? उसको 5 से डिवाइड करोगे, एक वैल्यू आ जाएगी। फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आंसर आएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करोगे, कब तक? अब जैसे यहाँ पे 4 आ गया था, 4 को आगे मैं फर्दर 5 से डिवाइड करती हूँ, तो आंसर क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो तब तक कर रहा हूँ, सबको ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या रहेगा? 24 विल द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, सभी ने 7 डेज ट्रायल क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है, सभी ने ज्वाइन करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी ही रहेंगी, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल पर, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 7 ईयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इसके अलावा आप कंसेप्ट क्लियरिंग लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो आप सभी वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उसी को ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज का भी लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके, फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन पुट योर क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन करना है सभी ने। ओके, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।